वेलकम करेंगे हमारी वंदना जी साहब। बहुत ही अच्छा सेंटर चलता है, आप आज हीलिंग लीजिए, कैसा अनुभव करेंगे आप स्वयं हमको सेशन के बाद बताएंगे। तो हम अनम्यूट करते हैं वंदना जी साहब को। वंदना जी साहब आप आइए और अपने हीलिंग से हमको अनुग्रहित करिए। बहुत बहुत स्वागत वंदना जी। थैंक यू विनय भैया, ललिता दीदी, जय जिनेन्द्र, सभी साधर्मिक भाई बंधुओं को वंदना शाह का सादर जय जिनेन्द्र। हमारी दुआओं में इतनी बरकत रखना प्रभु कि किसी के लिए दुआ करें तो वो कभी खाली ना जाए। प्रभु से इस प्रार्थना के संग हम अपने इन हाथों को पावर हैंड में बदलते हैं और नमोकार मंत्र से शुरुआत करते हैं। ओम नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोए सवसाहुणम्। एसो पंच नमुकारो सव पावप्पणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। पांच भरत, पांच ऐरावत, पांच महाविदेह क्षेत्रों के सभी तीर्थंकरों को मेरा नमन, सभी केवली गणधर भगवंतों को मेरा नमन, समस्त साधु साध्वियों को मेरा नमन, त्यागी व्रतियों श्रावक श्राविकाओं के संघ को मेरा नमन, समस्त तीर्थों को मेरा वंदन, बारंबार वंदन। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम रीम नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोए सव्वसाहुणं। चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्यामि, अरिहंते शरणं पवज्यामि, सिद्धे शरणं पवज्यामि, साहु शरणं पवज्यामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्यामि। श्री शांतिनाथाय, शांतिकराय, सर्व विघ्न प्रणाशनाय, सर्व रोगो मृत्यु विनाशनाय, सर्व क्षुद्रोपद्रव प्रणश्मनाय, सर्व विघ्न विनाशनाय ओम राम रीम रोम रह। असिया उषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरुम कुरुम नमः स्वाहा। पूरे विश्व के लिए मंगल कामना के साथ हम अपनी हीलिंग शुरू करेंगे। प्रभु से बारंबार निवेदन है, प्रभु हमारा जो ये युग है तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है, ऐसा कुछ भी ना हो। कोई परमाणु बम, कोई मिसाइल, इतना विध्वंस, संघर्ष, युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। ये सिर्फ विध्वंस और हाहाकार ही लाता है। तो एक छोटे से भजन के माध्यम से में भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि दाता सुख बरसा, सभी के जीवन में सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, चुन चुन काटे
नफरत के प्यार अमन के फूल खिला बरसा दाता सुख बरसा तन से कोई है दुखी मन से कोई है दुखी हे प्रभु दया करो सारा जहान हो सुखी हर पल मांगू यही दुआ आंगन आंगन सुख बरसा बरसा दाता सुख बरसा आंगन आंगन सुख बरसा बैर क्लेश को मिटा दाता सकल संसार से नाम का स्मरण करें मिलके सारे प्यार से मानव से मानव होना जुदा भाई से भाई होना जुदा आंगन आंगन सुख बरसा माँ से बेटा होना जुदा आंगन आंगन सुख बरसा बरसा दाता सुख बरसा आंगन आंगन सुख बरसा आंगन आंगन सुख बरसा। तो हमारे हृदय से रोम रोम से एक ही पुकार निकलती है कि प्रभु सुख बरसा सभी के जीवन में सुख बरसा। हम सभी हीलर्स हैं। जो दूसरों के लिए दुआ करता है वो सब हीलर की श्रेणी में आता है। जितने पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं वो फोटोज देख के जो स्पॉटलाइट पे ली जाती हैं या डिस्टेंस हीलिंग के माध्यम से अपने लोगों के लिए जो भी दुआ करते हैं वो सभी हीलर हैं। सभी की उस मंगल भावनाओं को बारंबार वंदन है जो दूसरों के सुख की चिंता करते हैं। धर्म वो नहीं है कि दिन रात क्रियाओं में व्यस्त रहा जाए। क्रिया में व्यस्त रहना बहुत अच्छी बात है, पर धर्म को परिभाषित इस तरह से किया जा सकता है कि पाप कर्म ही ना करें। पाप कर्म ना करेंगे तो पुण्य कर्मों का बंध अपने आप होता रहेगा। तो हमें पापों से अवश्य बचना चाहिए। प्रभु की शरण में लेकर हमें रोज संकल्प करना चाहिए कि प्रभु हम कोशिश करेंगे, पूर्णतः पूरे एफर्ट्स डाल के कोशिश करेंगे कि हम पापों से कषायों से मुक्त रहें, उनसे बचने का प्रयत्न करेंगे प्रभु। ओम रीम क्लीम श्रीम अरहम श्रीम वृषभनाथाय नमो नमः। श्रीमान तुंग आचार्य जी की जय। आचार्य श्री विद्या सागर महाराज जी के चरणों में मेरा त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सबसे पहले कोमलता से आंखें बंद करके प्रभु की भक्ति हम भक्तामल जी से शुरू करने वाले हैं। कोमलता से आंखें बंद कीजिए। अपने इष्ट प्रभु को, अपने इष्ट देव को अपने थर्ड आई चक्र पर विराजमान करना है। ध्यान भटके नहीं। सड़कों पे भी लिखा रहता है, रोड पे लिखा रहता है, ध्यान घटा की दुर्घटना घटी, ध्यान हटा की दुर्घटना घटी। तो इधर हमारा ध्यान हटा
कि हमें कोई पुण्य कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। एक घंटे दो घंटे जो हम निकाल के बैठते हैं वो व्यर्थ हो जाएंगे। तो बिल्कुल बेहतर है पूरे कंसंट्रेशन के संग हम प्रभु को शिरोधार्य कर उनको मस्तक पर बैठा कर भक्ति की शुरुआत करें। प्रभु के दाहिने पैर के अंगूठे से एक दिव्य रोशनी का पुंज निकल रहा है, वो हमारे लिए आशीर्वाद का स्रोत है। उस पुंज को हम अपने क्राउन चक्र से पूरे शरीर में ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं। उस रोशनी में हम नहा रहे हैं, हमारे सहस्त्रार्ध चक्र से वो रोशनी प्रवेश कर हमारे एक एक बॉडी ऑर्गन्स को, एक एक टिश्यू, एक एक सेल्स को पावन कर रही है। हमारी ब्लड वेसल्स में वो रोशनी घुलकर, हमारी रक्त धमनियों में वो रोशनी घुलकर पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। एक एक कोना शरीर का निर्मल, पावन और ऊर्जावान बन रहा है। भावनाओं में बहुत शक्ति है। हमारे जो विचार होते हैं, भाव होते हैं, वो ब्रह्मांड में इको इफेक्ट देते हैं। इको मीन्स जैसे कहीं पहाड़ पे जाके हम अपना नाम पुकारते हैं, वो साउंड हमारी तरफ वापस आता है। उसी तरह हमारे भाव इस ब्रह्मांड में फैलकर बिल्कुल वैसे के वैसे ही हमारी तरफ वापस आते हैं। तो कभी नेगेटिव विचारों का मन में ना लाएं, चिंतन ना करें। हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशंस अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी वातावरण में प्रसारित करें। धंधा कम चल रहा है, कभी नहीं रोना चाहिए लक्ष्मी के लिए कि धंधा नहीं चल रहा, पैसों की दिक्कत है। ब्रह्मांड ये चीज नहीं समझता, वो सुन रहा है नहीं शब्द, धंधा नहीं चल रहा, तो वो नहीं से आपको वैसा ही वैसा परिणाम भेजेगा। आप हमेशा ये भावना प्रेषित करें, मेरा धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक है, सब अच्छा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये मेरे अनुभव हैं। नेगेटिव बातें, नेगेटिव कभी ना करें, कभी भी ना करें। नेगेटिव को भी पॉजिटिवली कैसे लिया जा सकता है, इस बात पे चिंतन मनन करें और वैसे ही विचार किया करें। और हम यदि किसी पॉजिटिव बात को सच करना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं, तो उसको लिखना भी चाहिए बार बार, क्योंकि उस शुभ भावना में हमारा बहुत ज्यादा टाइम भी व्यतीत होता है। यदि हम किसी बात को लिख रहे हैं, देखिए हम माँ बाप अपने बच्चों के लिए हमेशा शुभ चिंतते हैं, तो हम यदि लिखना चाहते हैं कि हाँ मेरा बच्चा एक सक्सेसफुल इंसान बन रहा है, तो हम उस बात को लिखना शुरू कर दें, प्रभु मेरा बच्चा बहुत सक्सेसफुल हो रहा है, वो धर्म के मार्ग पे भी चल रहा है और इस भौतिक वर्ल्ड में भी उन्नति कर रहा है, प्रभु आपका धन्यवाद है। प्रभु का धन्यवाद तो उठते बराबर कर ही लेना चाहिए। हे प्रभु आपका धन्यवाद है कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हो, आपकी कृपा से हमारे घर सुख शांति समृद्धि लव रिस्पेक्ट फेथ केयर उन्नति प्रगति धन धान्य सब कुछ परिपूर्ण है। प्रभु आपकी कृपा से हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका हम सदुपयोग करते हैं। हे प्रभु आपका धन्यवाद है जीवन के हर सुखों को देने के लिए। हे प्रभु आपका धन्यवाद है जीवन के हर सुखों को देने के लिए। साथ ही हीलिंग से पहले, प्रभु की भक्ति से पहले, अपने ये मन को जो 24 घंटे में हमारा मन दूषित हो जाता है,
हीलिंग के पहले ही हम छोटी सी दो लाइन में प्रभु से माफी मांग लेते हैं, प्रभु मेरे द्वारा इस जन्म में या इसके पूर्व के किन्हीं जन्मों में एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीवों की जो विराधना हुई हो, हिंसा हुई हो, काटा हो, मारा हो, परेशान किया हो, तो वो सब पाप मेरे मिथ्या हो, मैं पश्चाताप करती हूँ। हे प्रभु, क्रोधवश या अज्ञानतावश किसी के अहित के भाव भी जो कभी मेरे मन में आए हों, वे उसके लिए भी मैं शर्मिंदा हूँ, क्षमा मांगती हूँ। हे प्रभु, मेरे वो पाप भी मिथ्या हो, मैं पश्चाताप करती हूँ। चलिए, मन को निर्मल करके कषायों से मुक्त होकर हम प्रभु की भक्ति पूरे के पूरे 48 श्लोकों से पहले कर लेंगे। सिर्फ 10 मिनट में पूरे भक्तामर जी का पठन पाठन चिंतन मनन हो जाता है। प्रभु की आज्ञा से, आचार्य श्रीमान तुम स्वामी की आज्ञा से भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा मुद्योत कंदलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगै युगादा वालंबनं भव जले पततांजनानाम। इस भवोदधि से तारने वाले हमारे जिनेन्द्र प्रभु, स्पेशली प्रथम तीर्थंकर की हम भक्ति 48 श्लोकों के माध्यम से करते हैं। 48 श्लोकों में मानतुंग आचार्य जी ने अपनी लघुता का भी वर्णन किया है, प्रभु की महानता का भी वर्णन किया है, आठों के आठों प्रातिहार्यों का वर्णन किया हुआ है। बहुत खूबसूरत तरीके से मानतुंग आचार्य जी ने प्रभु की भक्ति की है और हमें पूरा का पूरा तैयार मेनू मटेरियल प्रभु की भक्ति के लिए मानतुंग आचार्य जी ने दिया है। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्व बोधा दुद्भूत बुद्धि पटु भी सुरलोकनाथै स्तोत्रैर् जगत्त्रितय चित्त हरैरुदारै स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगत त्रपोहं बालं विहाय जल संस्थित बिंदुबिंब मन्य क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुं वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान् कस्ते क्षमः सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम को वातरी तुमल मंबुनिधिम्बुजाभ्याम सोहं तथापि तव भक्ति वशान मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्म वीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम् नाभेति किं निज शिशो परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् यत्को किलह किल मधौ मधुरं विराति तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीर भाजाम्
आक्रांत लोक मलिनी लमशेष माशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर मंदकारम् मत्वेति नाथ तव संस्तवनम् मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावा चेतो हरीशति सतान् नलिनी धयेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननुदबिन्दुः आस्तान्तवस्तवनमस्तसमस्तदोषम् त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भाञ्जी नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकर द्युतिदुग्ध सिन्धो क्षारं जलं जलनिधेरसितुं क इच्छे यः शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वम् निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्यणपः पृथिव्याम् यत्ते समानमपरन्न हि रूपमस्ति वक्त्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत्त्रितयोपमानम् बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वा सरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् सम्पूर्णमण्डल शशाङ्ककलाकलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर नाथमेकम् कस्तान्निवारयति सञ्चरतो यथेष्टम् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां दीपो परस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः
सूर्यातिशायी महिमासी मुनिन्द्र लोके नित्योदयं दलित मोह महांधकारं गम्यं न राहुवदनस्य नवारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्पकान्ति विद्योतयच्चगद पूर्वशशाङ्कबिम्बम् किं शर्वरीषु शशिनान्नि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमः सुनाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यन्ति यज्जलधरैर्जलभार नम्रै ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम् नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वम् नैवं तु काच शकले किरणाकुलेऽपि प्रभु आपका मुखमंडल देखने के बाद आपके केवल ज्ञान की चर्चा सुनने के बाद किसी भी हरि हरादय किसी भी देवी देवता को पूजने की मानने की इच्छा नहीं होती। हम यदि भक्तामर जी से भक्ति कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं प्रभु से इधर प्रभु से बोल रहे हैं कि प्रभु किसी भी अन्य देवी देवता को देखने की उनकी स्तुति करने की भक्ति नहीं होती और इधर से उठ के हम मिथ्यात्व में पड़ जाते हैं। दोनों जगह चीटिंग है। फिर हम अपने प्रभु से भी चीटिंग कर रहे हैं और उधर मिथ्यात्म में पढ़कर उधर उन देवी देवताओं से भी चीटिंग कर रहे हैं। अपना इष्ट देव एक ही मानना चाहिए जो हमारे जिनेन्द्र प्रभु ही हैं 24 तीर्थंकर। इसके अतिरिक्त हमारा इष्ट देव कोई नहीं हो सकता। ये मानतुम आचार्य जी के द्वारा लिखा हुआ है। जिस तरह से एक हीरे में चमक होती है वो कांच के टुकड़ों में हो सकती है क्या? कांच के टुकड़े तो व्यर्थ का मिथ्या का प्रकाश सूर्य से लेकर चमकते हैं पर हीरा उसमें तो स्वयं अपनी चमक होती है। तो हमारे प्रभु तो हीरे तुल्य हैं। तो अन्यत्र देवी देवताओं की जो भर्सना है वो मानतोंगे आचार्य जी ने अपने इस 20 नंबर के श्लोक में की हुई है। अब निर्णय आपका है कि आपको कांच के टुकड़ों की रोशनी पसंद है कि आपको निखालिस हीरा पसंद है। मने वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टिषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन् मनोहरिः कश्चिन् मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंशु जालम् त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम् नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थः त्वामवयं विभुमचिन्तमसङ्ख्यमाद्यं
ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदितयोग मनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् धातासि धीरशिवमार्ग विधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन भवो दधि शोषणाय को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैः त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपात्त विविधाश्रय जात गर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि उच्चैरशोकतरु संश्रितमुन्मयूख मा भाति रूपममलन् भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत्किरणमस्तमोवितानम् बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावतातम् बिम्बं वियत्विलसदंशु लतावितानम् तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मिः कुन्दावदात चल चामर चारुशोभम् विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम् उद्यच्छ शाङ्कशुचि निर्झर वारिधार मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शातकौम्भम् छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मुच्चैस्थितं स्थगितभानुकर प्रतापम् मुक्ताफलप्रकरिजाल विवृद्धशोभम् प्रख्यापयत्रि जगतः परमेश्वरत्वम् गम्भीरतारविभागस्त्रैलोक्यलोकशुभसङ्गमभूतिदक्षः सद्धर्मराज जय घोषण घोषकः सन् हृदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादी दुन्दुभि नाद हो रहा है। कल्पना कर लीजिए सम्मो शरण लगा है प्रभु सिंहासन पर विराजमान है कमल का सिंहासन कुबेर ने सारी व्यवस्था करके रखी है सारे देवी देवता उस सम्मो शरण में उतरे हैं चामर ढोले जा रहे हैं चंवर से प्रभु की भक्ति हो रही है दुन्दुभि नाद हो रहा है अशोक वृक्ष के नीचे प्रभु बैठे हैं और इतनी दिव्य ध्वनि की उनकी खिर रही है इतनी दिव्य ध्वनि खिर रही है हर प्राणी उसे अपनी अपनी भाषा में ग्रहण कर रहा है
कई योजन तक दुख नहीं है, काल नहीं है, प्रलय नहीं है, महामारी नहीं है। हम भी समोशरण में बैठे हैं, कोई बीमारी हमको नहीं छू सकती, सब कुछ कल्पना से संभव है। देखिए समो शरण में बैठने वाले हम वो दिव्य आत्मा हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, सारी बीमारियां खत्म हो रही हैं हमारी, हम शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थता की ओर बढ़ रहे हैं। मंदार सुंदर न मेरु सुपारी जात, इतने अनुपम पुष्पों की वृष्टि देवताओं द्वारा हो रही है। इस बात का ख्याल रख रहे हैं देवता गण कि वो पुष्प प्रभु को जरा सी भी हानि ना पहुंचाए, इतनी सी भी डंडी प्रभु को टच होकर उनको कष्ट देकर ना उतरे। इसलिए नरम मुलायम दिव्य सुंदर अनुपम सुगंधित पुष्पों से देवता गण प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, हम भी प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। स्वयं को इंद्राणी से कम ना समझें। मंदार सुंदर न मेरु सुपारी जात, संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा, गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता, दिव्यादि वह पतति ते वच सांत तिर्वा, शुंभ प्रभावलय भूरि विभावि भोस्ते, लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति, रोद्य दिवाकर निरंतर भूरि संख्या, दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्याम, स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठः, सद्धर्म तत्व कथनैक पटु स्त्रिलोक्यः, दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व, भाषा स्वभाव परिणाम गुणैर् प्रयोज्यः, उन्निंद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, पर्युल्ल सन्नख मयूख शिखाभिरामौ, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्तः, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति, इत्थं यथा तव विभूतिर भूजिनेन्द्र, धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य, यादृक् प्रभादिन कृतः प्रहतांधकारा, तादृक् कुतो ग्रह गणस्य विकासिनोपि, स्रोतन्मदाविल विलोल कपोल मूल, मत्त भ्रमत् भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम, ऐरावता भविभमुद्यत मापतन्तम्, दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्, भिन्ने भकुंभगलदुज्ज्वल शोणिताक्त, मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागः, बद्ध क्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि, न क्रामति क्रमयुगा चल संश्रितन्ते, कल्पांत काल पवनोधत वन्निकल्पम्, दावानलं ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम्, विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम्,
त्वन्नाम कीर्तन जलम शमयत्य शेषम रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोद्धतम फणिनमुत्फण मापतंतम आक्रामति क्रमयुगेन निरस्त शंकस त्वन्नाम नागदमनि हृदयस्य पुंसः। इधर इन श्लोकों में सारे भय से निवारण का मंत्र दिया है। अग्नि का भय, हाथी का भय, सिंह का भय, शत्रु का भय, अभी जो श्लोक हुआ उसमें सर्प का भय, युद्ध का भय, सारे भय प्रभु के चरणों में रख लीजिए, भय मुक्त हो जाइए। प्रभु से याद रखिए कुछ मांगना नहीं है, बस अपने आप को प्रभु को सौंप देना है। आपके जीवन में कैसी व्यवस्थाएं बनती हैं आप खुद शेयर करेंगे इसी स्क्रीन पर इसी सेशन में। वल्गर तुरंग गज गर्जित भीम नाद माजौ बलम बलवतामपि भूपतीनाम उद्यद्दिवाकर मयूख शिखा पवेद्धम त्वत्कीर्तनात्तम इवाशु विदामुपैति कुन्ताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरणातुर योध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास त्वत्पाद पंकज वनाश्रयिनो लभन्ते अम्भो निधौ शुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दोल्वड वाड वाग्नौ रंग तरंग शिखर स्थित यान पात्रास त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद्रजंती उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नः शोच्याम दशामुपगताश्चुत जीविताशः त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा त्वत्पाद पंकज रजो पंकज यानी पाद पंकज उनके पंकज यानी कमल पाद यानी पैर रज यानी धूल प्रभु के चरण कमल की धूल जो भी रोगी व्यक्ति परेशान व्यक्ति लगा लेता है अपने मस्तक पर वो निरोगी हो जाता है। ये कोई फेक नहीं है, ये मानतुंग आचार्य जी जो खुद रिद्धिधारी मुनिराजों में से एक हैं उन्होंने कहा है। तो जब भी हम इस श्लोक को बोलते हैं तो भावों से प्रभु के चरण कमल की धूल उठाकर अपने मस्तक पर धारण कर लीजिए। जिसे हीलिंग दे रहे हैं वो चरण कमल की धूल उस व्यक्ति को भावों से लगा दीजिए, 100% उसकी बीमारियां दूर होने वाली हैं। त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपः आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्ठितांगा गाढ़ं ब्रहन निगड़ कोटि निगृष्ट जंघा त्वन्नाम मंत्र मनीषम मनुजा स्मरन्तः सद्या स्वयं विगत बंध भया भवन्ति।
मत्तद्वीपेन्द्र मृगराज दवान लाही संग्राम वारि धीमहोदर बंधनोत्थम तस्याशु नाशमुपयाति भयं भीव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमान धीते स्तोत्रस्त्रजं तव जिनेन्द्र गुणीर्निबद्धां भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पां दते जनो य इह कंठगतामजस्त्रम्। जो भी श्रावक जो भी भक्त जन इन 48 श्लोक इन 48 श्लोकों के पुष्प रूपी माला को अपने कंठ में धारण करता है वो मोक्ष लक्ष्मी को अवश्य प्राप्त होता है। हमारा अंतिम लक्ष्य तो मोक्ष ही है। स्तोत्र स्त्रजं तव जिनेन्द्र गुणीर्निबद्धाम् भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पाम् धत्ते जनो य इह कंठगतामजस्त्रम् तम्मान तुंगम वशा समुपैति लक्ष्मीः तम्मान तुंगम वशा समुपैति लक्ष्मीः तम्मान तुंगम वशा समुपैति लक्ष्मीः। सम्यक् दर्शनाय नमः। सम्यक् ज्ञानाय नमः। सम्यक् चारित्राय नमः। मैंने भक्तामर जी बहुत धीरे धीरे बोला, सोचा था मैं फास्ट बोल के खत्म कर लूंगी, पर मैंने एक एक शब्द बहुत ज्यादा एंजॉय किया, बहुत अच्छी तरह से भक्ति कर पाई मैं तो। अभी अभी हाँ, कुंडलपुर जी में इतना भव्य कार्यक्रम हुआ है भगवान का, अभी भी मस्तक अभिषेक चल ही रहा है, वहां पर भक्तगण पहुंच रहे हैं, इतनी तादाद में दिव्य आत्माओं ने वहां पर उस वातावरण को पवित्र किया है जहां पर बड़े बाबा की एनर्जी है। चलिए, पंचकल्याणक हुए हैं उस पावन भूमि में, तो उसी प्रभु को मैंने अपने मस्तक के सामने लाकर अपने थर्ड आई पे विराजमान करके भक्ति की। तो मैंने धीरे धीरे, इसलिए कि एक एक पद आप बहुत अच्छी तरह से फील कर पाए, भक्ति कर पाए, इसीलिए धीरे धीरे बोला। सुधा सागर महाराज जी बोलते हैं, यदि भक्तामर जी सुबह 3 से 5 के बीच में आप बोलते हैं, भक्ति करते हैं, तो वो सिद्ध हो जाता है। मैं भी आज 2 साल से सुबह 3 से 5 के बीच में रोज भक्तामर जी को से प्रभु की भक्ति करती हूं, आप भी कीजिए। बहुत मैजिकल श्लोक हैं ये, अन्यत्र ना भटकें, पूरे के पूरे 48 श्लोक की शरण में आ जाइए। प्रभु से चीटिंग नहीं करनी है। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो प्रभु की भक्ति करते हैं, हमने इतने अनुष्ठान कर लिए, 2 कर लिए, 4 कर लिए, पर हमें कोई फल नहीं मिल रहा। अपने अंदर झांक के देखिए, कहीं आप प्रभु से चीटिंग तो नहीं कर रहे। आप अन्यत्र कहीं भटक के इधर भी मनोती मार ली, उधर भी मन्नत मांग ली, ऐसा भी कर लिया, वैसा भी कर लिया, ऐसा तो नहीं कर रहे। मैं तो बिल्कुल चीटिंग नहीं करती प्रभु के साथ, ना मैं अपनी विपरीत परिस्थिति से कभी घबराती हूं कि मुझे वो भगवान पनिशमेंट दे देंगे, मैं उनको नहीं पूजूंगी तो मेरे साथ अनिष्ट हो जाएगा। मैं नहीं डरती, मैं अपना उदाहरण दे रही हूं। कोई भगवान क्यों अनिष्ट करेंगे, कोई इतने क्रूर नहीं होते हैं। हम उनकी अभिनय भी नहीं कर रहे। हमने जिनेन्द्र प्रभु जी के शासन में जन्म लिया है, हमारा परम कर्तव्य है उन्हीं प्रभु जिनेन्द्र प्रभु की भक्ति करना, अपने धर्म को का प्रचार प्रसार करना, अपने धर्म में अथाह श्रद्धा रखना, अपने बच्चों को संस्कारित करना। मैंने किए हैं, मैं सिर्फ उपदेश नहीं दे रही, मैं कुछ भी नहीं हूं। मुझे तो अर्चना दीदी ने एक छोटा सा
स्थान दे दिया है। मैं अदना सी बहुत छोटी सी हूं, पर मैं छोटे छोटे स्मरण जो मेरे खुद के होते हैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग भी बहुत दिव्य अनुपम आत्माएं हैं जो सुबह के टाइम इतना टाइम देके अपना कीमती वक्त निकाल के भक्ति के लिए बैठते हैं। मैं आपको उदाहरण देती हूँ, जो कुछ हमारे जीवन में होना जाना है वो हमारे कर्मों की वजह से होना है। हमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कर्मों का क्षय हम सिर्फ जिनेंद्र प्रभु की भक्ति कर कर ही कर सकते हैं और हम ऐसा ही कर रहे हैं। प्लीज अन्यत्र मत भटकिए, अपने धर्म में स्थापित हो जाइए, अपने धर्म में स्थापित हो जाइए। जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया जी। हाँ बहुत बढ़िया बंदना जी, इतनी अच्छी बीतरागता की बात और एक एक श्लोक का शुद्ध उच्चारण बिल्कुल धीरे धीरे सटीक लय के लय भी थी उसमें और उच्चारण भी शुद्ध था और सबको स्पष्ट सुनाई पड़ रहा था। इस प्रकार वंदना जी ने आपको हीलिंग दी, बहुत बढ़िया नॉलेज के साथ हीलिंग दी। आप लोग जरूर उससे लाभान्वित हुए होंगे और जिसको कुछ बोलना हैंडेज करेंगे अपने। हाँ ए सिंह जी बोल रही हैं, क्या है इनका प्रॉब्लम सुन लीजिए वंदना जी। हेलो, हाँ बोलिए। हीलिंग तो बहुत अच्छा दिया, आजकल मेरा है ना तबीयत बहुत ही खराब रहने लगा, पेट में कल दर्द था, सारा दिन सोई थी, इसलिए क्या करना चाहिए वही बताओ। पेट हम बीज अक्षर का जाप करिए, हम ये आपको एक बार करा देंगे 9 बार हम बीज अक्षर का जाप। हाँ ठीक है जी बिल्कुल। देखिए मेरे शरीर है तो व्याधि है, इस बात को हम बिल्कुल गांठ बांधे। शरीर है तो व्याधि है, व्याधियों का आना जाना लगा रहेगा। हम शुद्ध और सात्विक जीवन व्यतीत करें, रोज थोड़ा सा प्राणायाम, योगा, भगवान की भक्ति अपने जीवन का रूटीन बना लें। देखिए हमारे प्रणम्य सागर जो मुनि महाराज हैं, उन्होंने बहुत अच्छा अहम योग दिया हुआ है। हमारी लीडर साथी लीडर रितु जी भी बहुत अच्छा वो योग करवाती हैं बैठे बैठे। वंदना जी मतलब भैया जी आवाज आ रही है, बंद करिए। आरती आरती सिंह जी सामने बंद करिए। हाँ बोलिए वंदना जी बोलिए जी। तो प्रणम्य सागर महाराज जी ने जो हमको अरहम योग दिया हुआ है, हमारी साथी हीलर रितु जी बहुत अच्छी तरह से उसकी व्याख्या करती हैं, वो बैठे बैठे हो जाता है। योग का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल कसरत ही करें, नहीं होता है, उम्रदार हैं, बैठे बैठे हम अरहम योग कर सकते हैं। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम। इस तरह से अपने हाथों के पॉइंट्स को आप ताली बजाइए, आप भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करते हुए आजकल क्या है स्टैंडर्ड हो गया इस तरह से धीरे धीरे ताली बजाना। ये ताली बजाने का तरीका नहीं है, ताली तो ऐसे बजती है, ऐसे जो कंपन पैदा हो रहा है वो वातावरण को भी एक पॉजिटिविटी देता है और आपके हाथों में जो झंझावत हो रही है वो भी आपके पॉइंट्स को बहुत ज्यादा मजबूती देती है। बैठे बैठे ये सारे पॉइंट्स आपको दबा देने चाहिए, हाई बीपी, लो बीपी, हमारी जो ये मिडिल फिंगर है जहां टच होती है वहां पर किडनी का पॉइंट होता है, ये सारे इंटेस्टाइन के पॉइंट है, सर्वाइकल प्रॉब्लम है तो ये दबाइए। याद करना मुश्किल है यदि कि कौन सा पॉइंट किसके लिए है, कोई मैटर नहीं, पूरे हाथ को आप थोड़ी थोड़ी देर पूरे पूरी हथेली को प्रेस कर लीजिए, पीछे प्रेस कर लीजिए इस तरह से। ये काम बैठे बैठे हो सकते हैं, आप हीलिंग ले रहे हैं, आप सुबह के सेशन में 2 घंटे बैठते हैं, बिल्कुल 2 घंटे में आप सुन भी रहे हैं और अपने पॉइंट्स को हील भी करते रहिए, अपने पॉइंट्स को दबा कर इस तरह से। ये मैं सिर्फ फेंक नहीं रही हूं, आप लोगों से नहीं बोल रही हूं, ये मैं करती हूं, मैं भी रोज करती हूं। एक ये देखिए वो बेलन आता है कौन सा, एक्यूप्रेशर वाली स्टिक आती है, उसको यूज कर सकते हो आप इस तरह से। पर ये छोटी छोटी बातें यदि आप अपने जीवन में शामिल करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा,
आपका शरीर रोग मुक्त रहेगा। मैं भी 50 साल की हूँ, रोग मुक्त हूँ। छोटी छोटी कभी कभार बुखार आ जाए, डेंगू हो जाए, वो तो एक अलग बात है, पर कोई मेजर प्रॉब्लम अभी तो मुझे नहीं है और मुझे आगे होगी भी नहीं, नहीं होगी, बिल्कुल मैं गारंटी से कहती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को खुश रखती हूँ, भगवान के चरण में मैंने अपने सारे भय रख दिए हैं। मैं सारी बीमारियों से, यदि मुझे होती भी है तो मैं उसको हीलिंग के द्वारा दूर कर लूंगी। देखिए मैं आज आपके सामने ऑन स्क्रीन बोल रही हूँ, मैं भगवान से भी कहती हूँ मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पॉजिटिविटी रखिए अपने अंदर। नेगेटिविटी रखने से आप अपने अंदर का वातावरण और बाहर का वातावरण दूषित करते हैं। कुछ होता है क्या नेगेटिविटी से? चिड़चिड़ होती है, दिन खराब जाता है, शरीर अस्वस्थ रहता है। पॉजिटिविटी क्रिएट करिए, आपकी आत्मा का चिंतन मनन कीजिए, हम कहां से आए हैं, हमें कहां जाना है, किस मकसद से आए हैं। ऊपर वाला बैठा है सारे हमारे मार्ग से कांटे चुनने के लिए, बस आप उनके प्रति वफादार हो जाइए। चलिए हम बम बीजाक्षर का भी एक बार उच्चारण कर लेते हैं, बहुत भावों के संग। आप म्यूट हैं, आप भी करिए। ये सिर्फ ना हमारे शरीर का आंतरिक वातावरण बल्कि हमारा बाह्य वातावरण भी ये बीजाक्षर शुद्ध करते हैं। बम श्वासों के साथ गहरी श्वास लेनी है, थोड़ी देर उन्हें फेफड़ों में रखिए, श्वास को फेफड़ों में बचा के रखना है, फिर उसी श्वास को बाहर छोड़ना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालनी है। बहुत फास्ट मत कीजिए, धीरे धीरे श्वासों के तारतम्य के साथ हम बीजाक्षर बोलेंगे। बम 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 अपनी नाभि पे ध्यान केंद्रित करिए। आपका स्वाधिष्ठान चक्र पूर्ण रूपेण एनर्जाइज हो रहा है, पूरी बम बीजाक्षर की ऊर्जा उस स्वाधिष्ठान चक्र में प्रवेश कर उस चक्र को प्रॉपरली घूमने पर मजबूर कर रही है। इतनी शक्ति है इस बम बीजाक्षर में। आपका पेट दर्द बिल्कुल गायब हो रहा है, धीरे 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 गायब हो रहा है। आपने बम बीजाक्षर की ऊर्जा अपने शरीर में नाभि के थ्रू स्वाधिष्ठान चक्र में भर ली है। बम 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 सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चरित्राय नमः। भैया जी बहुत बढ़िया,
आरडी सिंह जी आपको हीलिंग दी, बंदा जी ने हम बीजाक्षर की, आप भी एक माला करिए, अभी तुरंत बैठ के सोइए मत आदिनाथ, और बीजाक्षर बोलते समय ध्यान करते समय आदिनाथ भगवान की प्रतिमा आपके सामने रहना चाहिए, चिंतन रहना चाहिए, और आपको अपने कर्मों के लिए, बुरे कर्मों के लिए जो हो गए हैं, जो याद नहीं है, उनके लिए बारंबार क्षमा याचना आपके मन में चलते रहना चाहिए, और संकल्प लेना चाहिए कि हम आगे ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। इस प्रकार आप चिंतन करिए, भाम बीजाक्षर की जाप करिए, आदिनाथ भगवान का स्मरण करिए, जल्द से जल्द आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए, और हमारे नमिता जी हैं, नमिता जी आपको सर कुछ बोलना चाहती हैं। नमिता जी क्या बोल रहे हैं? नमिता जी जय जिनेन्द्र। नमिता जी दोस्ती निभाने आए हैं नमिता जी आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ सीखने मिला है मुझे ममता जी कांकरिया से, नमिता जी से, समय शिखर जी की ट्रिप के दौरान। मैं तो सही में आइडियल, ये दोनों समझने हैं पर मैं इनको आइडियल मान के चलती हूँ अपने जीवन में। नमिता जी को मैं अनम्यूट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो महावीर जी नहीं आ रहे की बोल रही है, तो इसलिए अनम्यूट नहीं करता, उनका यही पनिशमेंट है। घर में फंक्शन है भैया जी। एक्चुअली मैं सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। वरना जी आपको तो मैं एक आयरन लेडी का पद से विभूषित करना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी जो इतनी एनर्जेटिक एंड पावरफुल और आपके जो थॉट्स प्रोसेस है, रियली आपको हेड्स ऑफ है। आपकी जो एनर्जी एविज्म बिल्कुल सबको एकदम स्ट्रांग बना जाती, आपके एक एक शब्द, आपकी एक एक एनर्जी की जो हीलिंग की पावर वो महसूस होती है। तो थैंक यू, आज मुझे इतना अच्छा मौका, और रोज प्लेटफॉर्म पे एक ना एक कोई अपनी सहपाठी बोलेंगे ये सीखने को ही मिला प्लेटफॉर्म पे शिखर जी यात्रा के दौरान। तो भैया को मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि इतना अच्छा हम लोगों को प्लेटफॉर्म मिला है एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करने का, और कोई सेवा का मौका मिला है। तो बस, और महावीर जी का रहा ऐसा कि उस टाइम में कुछ फंक्शन है घर में थोड़ा सा, तो उस हिसाब से मैं नहीं आ पाऊंगी, तो सॉरी, मैं बहुत मिस करूंगी। वन्ना जी आप जा रहे हैं? यस, मैं जा रही हूँ, पूरी कोशिश में हूँ। बहुत बहुत मिस करूंगी रियली, मिलने का मौका यही है, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, फंक्शन है, मजबूर है उस बारे में। और मैं सबको ये बोलना चाहूंगी, नमिता जी तो मेरी ऐसी झूठी तारीफ कर रही हैं, ये इतनी फ्लेक्सिबल लेडी हैं कि बाप रे, मैं क्या क्या बताऊं इनसे, मैं क्या सीख के आई हूँ। हमेशा हंसना, हेल्प करना और साथ में लेके चलना, बस अब मैं बता नहीं सकती, शायद शब्द नहीं अभी मेरे पास बैठे बैठे जी। आपसे तो जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो बहुत कुछ सीखने को मिला कि लाइफ जियो तो ऐसे जियो, कोई भी परिस्थिति हो उसको हंसते हुए बिताओ और निकल जाओ उसमें से, और ग्रेटिट्यूड बनो। ममता दीदी और ये नमिता की समझने हैं, पर ऐसे रहती थी कि बापरे, बेस्ट फ्रेंड भी ऐसा नहीं रहता है। मैं यही सोच रही थी कि दो समझों में इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतनी फ्रेंडशिप, या हो सकती है क्या मैं भी अपनी समधन के संग ऐसी फ्रेंडशिप रखूंगी हाँ भविष्य में। नहीं, ये तो सब देव गुरु धर्म की कृपा है अपने पर, क्योंकि अपने थॉट प्रोसेस चूंकि सब ऐसे बन चुके हैं कि सबको अपन अच्छी पॉजिटिव एनर्जी से अपन भरे हुए हैं, जो अपने को ये मिला है। तो रियली सबका बहुत थैंक यू, और यहाँ पे जो पावरफुल सोल है, यहाँ पे जो प्योर सोल है अपने साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी बहुत थैंक यू कि सबकी इतनी एनर्जी अपने को मिल रही है कि पॉजिटिव 100% अपन लोग होते जा रहे हैं। सही में मतलब मैं तो, बहुत बड़ा कर्ज है, कब चुका पाएंगे भैया दीदी और ये आप सभी लोगों का। तो मैं तो बहुत अपने आप को कानों में शब्द जाने के लिए तरसती, मैं कहीं भी रहूं एटलीस्ट मुझे वीडियो भी बंद करना पड़े तो मैं करती हूँ, बट वो सुनती हूँ सबके शब्द के लिए मैं तरसती हूँ, वो सब मुझे मिल जाता है। तो आज गॉड को भी थैंक यू बोलती हूँ कि इतनी अच्छी वाणी सुनने को मिली। थैंक यू बिल्कुल, हम बार बार धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि प्रभु ने एक इतना अच्छा मौका, प्लेटफॉर्म, इतनी दिव्य आत्माओं से मिलने का मौका प्रदान किया है। तो भावनाएं भी अपनी बहुत शुद्ध चल रही हैं। बहुत बढ़िया, सही बात बोली आपने। अगले जो नेक्स्ट हमारा क्या बोलते हैं सेमिनार होगा, ये तो होली मिलन है,
अगला जो हमारा अवार्ड फंक्शन होगा व्रतों के बाद में, वो पता नहीं कहाँ होता है लेकिन होगा अच्छी जगह में ही, निश्चित रूप से अच्छी जगह में होगा, IVS का थर्ड सेमिनार। मेरी ख्याल से हमने जैसे पहले अनाउंस किया था महावीर जी हस्तिनापुर, तो उसमें महावीर जी कर रहे हैं, अब नेक्स्ट हमारा श्रवण बेलगोला या हस्तिनापुर रहेगा, तो उस प्रोग्राम में आयरन लेडी की उपाधि हम वंदना जी को ही देने वाले हमारे हीलर्स में से। एक्चुअली में फैक्ट भी है वंदना जी का, यस 100%। इतने के बाद यदि धर्म की स्ट्रांगनेस को कोई शो करता है कि नहीं मेरे को यही करना है, कुदेव को इनको नहीं पूजना है, अन्य मार्ग में नहीं जाना है, अन्य देवी देवता पर नहीं जाना है, तो वो हमने आज तक देखा वंदना जी तो वो इस बात को बहुत स्ट्रांगली रखती हैं सबके बीच में कि नहीं हमको ये नहीं करना है। ऐसे ही मैं अर्चना को भी बहुत माउल्ड करने की कोशिश करता हूँ, चलो भाई ये नहीं करो, सब तो अपने इष्ट हैं, अपन से ऊपर हैं, अपन पूछ सकते, वो नहीं मानती। तो इस प्रकार की भावना हमने वंदना जी में भी देखी है, तो आयरन लेडी की उपाधि से इनको विभूषित किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच भैया जी, आपने मेरे मन की बात सुन ली। बहुत स्ट्रांगली उस चीज को रखती है, बात मैंने हर सेशन में देखी है, और अन्य देवी देवता कोई भी चीज में अन्य मार्ग में जाने के लिए लोगों को मना करती है बोल्ड रूप से। चलिए तो काम है भैया, वो भटकना नहीं चाहिए। उषा सिंह जी कुछ बोल रही है, उसके बाद रानी जी भी आई हैं। उषा सिंह रानी जी भी सुन रही थी शायद, सेशन में थी। भैया सुन रही थी मैं, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे तो लग रहा है वंदना से जैसे शिखर जी में मिले थे, वंदना और नमिता से वापस से वो दिन आ गया, इन दोनों को एक साथ देख लू मैं। हाँ तो कब मिल रहे हैं अब? तो देखो नमिता ने तो बोला है महावीर जी का उसका है नहीं, वंदना जी से पूरा मिलेंगे, पूरी पूरी कोशिश है हमारी। बिल्कुल पूरी कोशिश, 29 तारीख को ना? हाँ 29, 30, 31 के जो प्रोग्राम में है होली सम्मेलन में, उसमें मिलेंगे। पूरा पूरा प्रोग्राम बना रहे हैं की कोशिश कर रहे हैं, और वंदना जी को का तो सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो 3 बजे से 5 बजे तक भक्तांबा का जो पाठ करती है ना, तो वो भी इतनी दृढ़ता से कर रही है कि बड़ा ही मतलब लग रहा है कि हाँ वास्तव में स्ट्रॉन्ग लेडी है ये तो एकदम। जलगांव ब्रांच अब 3 बजे से 5 बजे सुबह ही चलेगी, जिसको जुड़ना है उसमें जुड़ जाए। तीनों हम जलगांव ब्रांच के तीनों ही मेंबर मॉर्निंग 3 से 5 के बीच में भक्तांबर जी अपने सिद्ध करने की कोशिश में लगे हुए हैं। भगवान की भक्ति हम इसलिए कर रहे हैं, भगवान भैया ने जो हमें पद प्रदान कर दिया है हम उसके संग निष्ठावान रहें, और हम उसकी गरिमा को भी बनाए रखें, और हमारे में इतनी ऊर्जा पैदा हो जाए कि जो लोग आ रहे हैं हम उनको ऊर्जान्वित कर सकें। ये बिल्कुल सही बात है, जिसको यदि ब्रह्म मुहूर्त में करना है तो कुछ लोग उस सेशन को हम लोग 3 बजे से 5 बजे का भी करने की कोशिश करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त सेशन उसका नाम ही रहेगा, IVS ब्रह्म मुहूर्त सेशन उसका नाम ही रहेंगे, और उसमें वंदना जी और एक ममता काका जी जो करती हैं। ऐसा पद प्रदान करते हैं कि सामने वाले में अपने आप ही ऊर्जा आ जाती है। नहीं सही में बहुत लोग इच्छुक रहते हैं कि हम ब्रह्म मुहूर्त में करें लेकिन निमित्त नहीं मिल पाता है, तो वो निमित्त वंदना जी के माध्यम से और IVS के माध्यम से मिलेगा। 10-20-25 लोग जितने जो उसमें उठ सकते हैं कर सकते हैं, तो IVS ब्रह्म मुहूर्त सेशन की अगले बार ओपनिंग करेंगे, जरूर करेंगे। तो उसमें आप लोग अब अकेले अकेले करते हैं, सबके साथ करेंगे तो बहुत अच्छा और ब्रह्मांड में एनर्जी जाएगी। वंदना जी से अपन और बात कर लेंगे, यदि वो करेंगे तो उसको हम लोग जरूर से जरूर प्लेटफॉर्म बनाएंगे उसका। लेकिन वंदना जी थैंक यू, बहुत बहुत अनुमोदन, बहुत अच्छी हीलिंग दी है, अपना एक्सपीरियंस बताया है। धन्यवाद रानी जी, आप सबका बड़प्पन है। नहीं हमको बहुत अच्छा लगा है, वैसे तो भैया एक से एक नए सबको मंच पे लाते हैं, तो उन सबसे ही मिलके हमें खुशी होती है। सुनने के बाद ऐसा लगता है कि वास्तव में ये तो भैया हीरे जो कहते हैं ना खान में से हीरे निकाल निकाल के ला रहे हैं, जो मंच पर आ रहे हैं रोज। अरे एक हीरा अभी तक छुपा ही हुआ है, वो हम उसको खूब तराश रहे, तरसा ही नहीं जा रहा है। कौन सा हीरा है भैया वो? रानी जी मैं तो ऐसे ही इन इतने हीरो को देख के मुझे तो लगता ही नहीं हम लोग इस तरह के बन पाएंगे कभी। नहीं नहीं क्यों बन पाएंगे, आप अगली बार तैयार रहिए, आप भी हीलिंग दीजिए तो सब में सब क्वालिटी है। नहीं नहीं बहुत अच्छा लगता है जी, रानी जी हर व्यक्ति एक विशेष क्वालिटी लेके पैदा होता है, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। आप में जो है, आप में भी जो एक फ्रेंडशिप सबको लेने की भावना, मुझे याद है
सब नीचे तलहटी में जितने भी मंदिरों की वंदना है आपने बहुत अच्छे से सबको करवाई। अरे हम करते सबका सहयोग था ये तो, और भैया ने खुद अपना अपना नहीं देखा उसमें, स्थानक भी थे, श्वेतांबर भी थे, किसी को पूजा की विधि नहीं आ रही थी, दिगंबर मंदिरों में क्या करें कैसा, तो आपने सद्रव्य से उनको बहुत अच्छी तरीके से वंदना करवाई, तो आपको सैल्यूट है। और आपकी ये बहुत अच्छी खूबी है कि आपने सिर्फ अपना अपना नहीं देखा, आप और भाई साहब दोनों आपकी जितनी बहुत बहुत सहयोग किया इन्होंने। वो तो ठीक है, लेकिन सबके सहयोग से हुई, सबने भी कोऑपरेट करा और सबकी इच्छाएं थी कि हम आए हैं। कई लोग तो पहली बार आए थे, जैसे संगीता है, एक और है वो फर्स्ट टाइम आई थी, उनकी बहुत इच्छा थी कि बस किसी तरह पहाड़ चढ़ जाए, हम बस पहाड़ चढ़ जाए बस। वो तो भगवान का बुलावा था कि हम लास्ट मोमेंट पे तुम्हारी सुन के, जब तुम्हें पता लगा तुम चढ़ चुकी हो, तो हमने कहा नहीं, जब वंदना चढ़ सकती है तो हम क्यों नहीं चढ़ेंगे, और हमने 8 बजे चढ़ाई शुरू करी अपनी। तो वही तो कहते ना, एक दूसरे से इंस्पिरेशन मिली ना हमको, तो इसलिए हम आगे बढ़ते चले गए। लेकिन सबके सहयोग से IVS परिवार को बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत अनुमोदना। अब भैया और दीदी की तो बहुत ही ज्यादा, जितनी तारीफ करी गई उतनी कम है, इसलिए हम तो चाहते इन्हें नजर भी नहीं लगे, इसलिए जैसे है भैया हमारे पे आशीर्वाद बनाए रखे। तो निर्मला जी, निर्मला जी संघवी कुछ बोल रही है वंदना जी के बारे में, सेशन कैसा लगा आपको? निर्मला जी संघवी कहाँ गए? शायद वो चालू करते समय निकल गए क्या? और किसी को कुछ बोलना है क्या? सुमन लता जी तो बोलेंगी। सभी को भैया दीदी जय वंदना जी, जय जय। फर्स्ट टाइम ट्रेन में मिले थे, डिस्कशन हुआ था पूरा जो उसके बारे में 10 मिनट में भक्ता पर पढ़ना और ये सब जो उसी समय आपके नॉलेज के, तो उसी समय कायल हो गए थे। सुमन जी भी हम लोग जो ट्रेन में फ्रेंड्स बने थे उनमें से एक हैं। ये भी एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी वाली महिला हैं, बहुत हेल्पिंग नेचर की हैं। बस क्या बताएं, हर किसी में एक एक अद्भुत गुण था कि हम सबको आइडियल मान के ही वापस आए हैं। हम इतना सारा बटोर की अच्छी अच्छी चीजें आए हैं शिखर जी से। लॉस तो कुछ भी नहीं हुई है, लेकिन आपके दूसरी बार कायल जब हुए, जब हमें पता चला कि आप मॉर्निंग में इतनी बारिश होने के बावजूद आप पहाड़ चढ़ चुके हो और हम लोग जा ही नहीं रहे थे, और आपके पीछे पीछे हम भी चले गए, पहले की टोली से गए फिर भी गए। तो आप हमारे निमित्त बने दर्शन कराने के लिए, रानी जी का तो बहुत सहयोग रहा ही है उनके लिए, तो हम लोगों की बहुत बहुत अनुमोदना है। रानी नहीं आ रही थी, मैं भी नहीं आ रही थी, सब आ गए हम लोग। कैसा चांस मिला अद्भुत भगवान का था कि सबसे मिलो, और आपसे मुलाकात हुई, नमिता जी से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा ग्रुप बना। अभी पता नहीं कौन कौन आ रहा है, तो समझ नहीं आ रहा है, आप आ रहे हो क्या? जी मैं बिल्कुल कोशिश में तो हूँ, रिजर्वेशन वगैरह की वेटिंग आ रहे हैं, देखते हैं। सुमन अपना प्रोग्राम बताना एक बार। मैंने अभी टिकट्स नहीं कराए हैं, बट मैंने गूगल फॉर्म भर दिया है रानी। अच्छा अच्छा, ओके। एक्चुअली क्या है, मतलब मैं यही सोच रही हूँ और कौन आ रहा है मेरे साथ? नीलिमा आ रही है। आपके साथ कौन आ रहा है? नीलिमा, नीलिमा। ओके नीलिमा चांगले फ्रॉम पुणे है ना। अच्छा, और सरिता जी तो 25 तारीख को जा रही है, और बबीता पाटनी भी उन्हीं के साथ जा रही है। ठीक है ठीक है, फिर हम लोग अपना बनाते हैं, मैं बात करती हूँ आपसे। अभी मैंने टिकट्स नहीं कराए, तुम बताओ फिर उसके हिसाब से टिकट्स करा लेंगे। ठीक है मैं बात करती हूँ एक बार। आज मुझे बता देना तो आज टिकट्स करा लेंगे, है ना? ओके ओके। मेरे दो प्लान है, या तो मैं दुबई दिल्ली आऊंगी या मुंबई से आऊंगी। अच्छा चलो फिर ठीक है, वो भी देखते हैं। तो प्लान बताती हो तो क्या? एक्चुअली मैं चाह रही हूँ कि मैं पास के आसपास के जहाजपुर और ये सब के दर्शन कर लूँ, इसलिए थोड़ा सा प्लान में मैंने बनाया है। तो अगर आप तो अभी घूम के आए हो ना सारा? हाँ मैं तो घूम के आई हूँ, सारा तीजा।
भाभी जी, जय जिनेन सभी को, जय जिनेन, जय जिनेन, जय जिनेन, जय जिनेन। इन्हें भी मैं कोटा से, कोटा से वो श्री महावीर जी से मैनेजर के नंबर मिल गए, तो आप बताइए कि जैसे 29, 30, 31 को 3 दिन का सोध का खाना बनवाना है, 3 जने आपकी तरफ से, 2 जने हमारी तरफ से है, और कितने दिन के लिए बनवाना है? 29, 30, 31 तीन दिन 31 को शाम को, तो फिर अपन वहां से वापस लेफ्ट कर सकते हैं ना, या 31 को? और उनको उसी समय बता देंगे, 3-3 दिन का है बोलना, 3 दिन में 5 टाइम का होगा जी। भैया आपके यहाँ से 3 जने है ना, और हमारे कोटा से 2 जने है, कोटा से हम 5 जने आ रहे हैं। चलो 28 की शाम को भी हो सकता है, हम 29 को सुबह 6 बजे यहाँ से चलती है, तो वो 8:30 तक पहुँचा देती है, हम 29 को सुबह आएंगे। बिल्कुल आ जाइए, वेलकम। ये हमारी किरण जी सेंटर है कोटा, कोटा ब्रांच की सेंटर है IBS की, और बहुत अच्छी हीलिंग चलाती हैं, और ये अपने घर में एक भक्तांबर जी का फिजिकल सेंटर खोल रही हैं, स्ट्रक्चर बन गया है और उसमें इन्होंने पूरी तरह तैयारी कर ली है। हमसे भी बार बार पूछती हैं कि आप आ जाओ, तो उसका थोड़ा सा अपन बताते कहाँ क्या रखना है, कैसे करना है। तो अब देखिए कोटा अगले बार जरूर जाएंगे, अभी फिजिकली आप नक्सल ले आना तो हम लोग थोड़ी और बात भी कर लेंगे। जी जी जी, और मैं सभी से बोलना चाहती हूँ, अभी आपने ब्रह्म मुहूर्त की बात कही, तो मैं भी ब्रह्म मुहूर्त में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मैं 4:30 बजे रोज क्लास लेती हूँ, जिसमें हम ब्रह्म मुहूर्त वाला, तो मैं तो वैसे भी उठ जाती हूँ 4:30 बजे, जिसमें अर्हम योग भावना योग का मेरा मेन रहता है, पहले अर्हम योग कराती हूँ, भावना योग कराती हूँ, फिर भक्ता जी के मंत्राज की हम 6:15 बजे लेते हैं, पर अब दोनों को कल से मर्ज कर रहे हैं, तो मंत्र फिर 5:15 बजे करीब करेंगे, पहले अरहम योग भावना योग ऐसा कुछ रहेगा। तो मैं लिंक अभी ये IBS में डाल दूंगी, तो आप जो भी जुड़ना चाहे जुड़े। ऑलरेडी एक सेशन किरण जी चला ही रही है ब्रह्म मुहूर्त का, भैया जी आप इन्हीं के लिंक डलवा दीजिए। बस सब लोग साथ मिलके करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। भैया मुझे इजाजत दीजिए, अब मैं मंदिर जाना चाहती हूँ। जय जिनेन सब, सभी को जय जिनेन। भैया जी कहाँ गायब हो गए? फोन पे बात कर। हाँ। फोन पे। तो किरण जी हमारे साथ हैं, किरण जी भी हमारा IBS का ब्रह्म मूल से। विनय भैया मुझे इजाजत दीजिए, मुझे मंदिर जाना है। हाँ जाइए जाइए, आप तो स्ट्रांग है तो आप तो मानेंगे नहीं, आप जाइए तुरंत जाइए। नहीं 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 नहीं, स्ट्रांग आपकी बात मानूंगी ना, स्ट्रांग किसने बनाया? अभी से आपको जो है ना, अभी से हम लोग कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं, भैया ने भी डिक्लेयर किया ना कि आपको सर्टिफिकेट देने वाले आ रहे हैं लेडी का। जो प्योर जेन हमें खिला दीजिएगा। सुमन जी पद ले लेना बहुत आसान है, बट उसको मेंटेन रखना बहुत कठिन है। आप कर लोगे ना, वो हमें विश्वास है। तो नहीं तो वो मेंटेन रखेंगे कि रख पाएंगे कि नहीं, पता नहीं। आप उसको मेंटेन कर लोगे। आज चाहिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बस इतना ही। नहीं नहीं नहीं, आप इसके हकदार हो और आप उसको कर भी लोगे, ये भी हमें पता है। पता चल जाता है ना हम कैसा है क्या है। मैं इजाजत लेती हूँ, जय जिनेन्द्र। आप फॉलो कर लेंगे क्योंकि देखो इजाजत ले ली उन्होंने तुरंत। ये जो प्योर लोग रहते हैं तुरंत भागते हैं, उनको अपना फिक्स समय रहता है कि ये करना है वो करना है, वो बराबर करते हैं टाइम पे। बाकी दुनिया कुछ भी करती रहे उनको उससे कोई मतलब नहीं होता। नहीं अगर 3 से 5 करते मैं वैसे भी उठ जाती हूँ, तो कर सकती हूँ मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्रह्म मुहूर्त सेशन नाम से शुरू करेंगे हम लोग। चलो ठीक है, और हम करते हैं सभी लोगों को जय जिनेन। जय रानी जी, सभी लोग तैयारी कर लीजिए और जल्दी आज ही टिकट बनाइए सब। मैं बात करती हूँ अपनी रानी से। हाँ जल्दी करिए, क्योंकि आपने गूगल फॉर्म में लिख दिया, फिर हम दूसरों को वो रूम भी देना है ना, रूम भी हमको, नहीं तो फिर एसी रूम खत्म हो जाएंगे। मेरे रूम तो कंफर्म हो गए ना, पापा आ रहे हैं मेरे साथ। टिकट करिए फिर, इन वक्त में कैंसिल करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, टिकट जरूर कर लीजिए जल्दी से जल्दी। जी भैया। हाँ रानी जी आज ही करिए। आप लोग आगरा भी आ गए यदि, तो आगरा सुबह 28 तारीख के 8 बजे तक पहुंच जाइए, तो वहां भी हम लोग मिल जाएंगे। ठीक है।